इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। मैं एक पॉइंट पे चेक कराऊंगा, आइए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको ये प्रूव करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। मैं एक पॉइंट पे करूंगा, आपको दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली खुद करना है। देखिए एट x इक्वल टू 1 पे करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन x माइनस 1 1 माइनस समथिंग एफ एक्स आ जाएगा मोड फंक्शन एफ वन 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, परफेक्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो आपको ये पुट करना पड़ेगा x टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 माइनस x, इसके बगैर ग्रेटेस्ट इंटीजर को छेड़ मत देना। क्लियर है? लेफ्ट हैंड में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 1 माइनस का मतलब x की जगह 1 माइनस एच पुट करते हैं और लिमिट हो जाती है एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह 1 माइनस एच चेंज करते हैं और लिमिट हो जाती है एच टेंस टू जीरो। आगे अब देखिए बेटा, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट एंटर नहीं करती, इसकी वैल्यू रखी जाती है 1 माइनस समथिंग। जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिमिट के तौर पर सोल्व करें तो अपने मन में एच की वैल्यू सोच लें, पॉइंट